अगर माथे पर तिलक भी है और बाकायदा एक ड्रेस आपने उस तरह से पहनी है कि पता चलता है आप किस समाज से हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपके चेहरे पर एक चमक होनी चाहिए ताकि हम फख्र से कह सकें कि हाँ, मैं उस समाज का हूँ। एक कलाकार अलग से ही दिखाई देगा, उसके अंदर खुदा के गुण मौजूद होते हैं, क्योंकि दुनिया बनाने वाला भी तो एक कलाकार ही तो है और ये जनाब भी एक कलाकार है। पता लगता है कि वो कोई गाने या बजाने का कार्य करते हैं। गाने का कार्य शायद ज़्यादा इसमें शामिल हो सकता है। कलाकार के चेहरे पर एक नूर हमेशा से मौजूद होता है, क्योंकि वो सीधे तौर पर खुदा से जुड़ा होता है हमेशा।